नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवतार किशन और जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरली माइनोरू कानेहिसा के बारे में। ये एक बड़े ही शानदार व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पूरे करियर में बहुत ही शानदार काम किए हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना और वीडियो को लाइक भी करना। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, माइनोरू कानेहिसा एक बहुत ही जबरदस्त इंसान जिन्होंने बहुत शानदार काम किया है और ये जापान के रहने वाले हैं। सबसे अच्छी बात ये है, कोई भी व्यक्ति अगर कहीं बाहर जाके पढ़ाई करता है और फिर वापस अपने देश में आता है सेवा करने, तो इससे अच्छी बात उस व्यक्ति के लिए कोई हो नहीं सकती। तो माइनोरू कानेहिसा भी उन्हीं लोगों में से हैं जो बाहर गए, पढ़ाई लिखाई करी, बहुत नॉलेज अटेन की, अवार्ड्स जीते, लेकिन वापस अपने देश में आए और उन्होंने अपने देश के लिए काम किया। दोस्तों, अगर करंट में देखा जाए, जो माइनोरू कानेहिसा है ये क्या है, प्रोफेसर है आईसीआर में। आईसीआर कहाँ पे है, क्योटो यूनिवर्सिटी में। आईसीआर जनरली है दोस्तों हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल रिसर्च। और एक चीज और आपको बताता चलूं, ये क्योटो जो है एक सिटी है जापान की, तो जो क्योटो है और जो टोक्यो है, दोनों ही नाम करीबन करीबन आपको सिमिलर नजर आ रहे होंगे, बट दे आर एक्चुअली नॉट सिमिलर। क्योटो ट्रेडिशनल जगह है जापान की और टोक्यो इज अ मॉडर्न, वहीं क्योटो देखा जाए तो बहुत ही पुराने जमाने का थोड़ा दिखता है, मतलब गांव टाइप का, विलेज टाइप का। और इन दोनों की दूरी अगर देखी जाए तो 457 किलोमीटर के अराउंड दोनों की दूरी है क्योटो से टोक्यो तक की। क्लियर, तो ये बेसिक फैक्ट वाली बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। माइनोरू कानेहिसा टेक्निकल डायरेक्टर है किसके, पाथवे सॉल्यूशंस के। ये पाथवे सॉल्यूशंस है क्या, इसको समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ पाथवे सॉल्यूशन का। दोस्तों, जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो हुआ सन 2000 में, मतलब 2000 ईयर में। अब बात ये है कि जो कंपनीज हैं, कंपनी यूजिंग कैग कमर्शियली, तो कैग को जो कंपनी कमर्शियली यूज कर रही हैं, और इसके लिए जनरली कैग क्या करता है, एक लाइसेंस प्रोवाइड करता है कि जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कैग डेटाबेस को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए जनरली ये फ्री है, एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए। और भी कोई जनरल इंसान यूज करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, लेकिन इनकी कंडीशन ये है कि अगर कोई कमर्शियली पाथवेज को यूज कर रहा है और अपने रिसर्च में दिखा रहा है तो He or she has to take somewhat a license, ठीक है। तो यही कैक का कहना है कि जो कंपनी यूज कर रही है कैक को कमर्शियली, तो उनसे ये पैसा वसूल करते हैं, मतलब रेवेन्यू जनरेट होता है। अब इस रेवेन्यू से होता क्या है, इसी पैसे को कैक को दोबारा डेवलप करने में लगाते हैं, कैक की मेंटेनेंस में लगाते हैं, कहने का मतलब री इन्वेस्ट करते हैं कैक में। तो री इन्वेस्ट टू डेवलप कैक, और इसी के साथ इनका ये कहना है कि इसी वजह से ये फ्री ऑफ कॉस्ट कैक को प्रोवाइड कर पाते हैं। तो मेक कैक फ्री टू यूज जनरली अकेडमिक्स के लिए, अकेडमिक्स का कोई भी व्यक्ति अगर इन्हें इस डेटाबेस को यूज करना चाहता है तो यूज कर सकता है। क्लियर, और जैसे कि मैंने आपको बताया कैक जो है वो जनरली एक लाइसेंस प्रोवाइड करता है कमर्शियल यूजर्स को या कमर्शियल कंपनीज को। क्लियर, ये कमर्शियल कंपनी जो कैग से डेटा लेती हैं, यूज करती हैं, उन्हें फिर अपनी रिसर्चेज में, अपने पेपर में शो करती हैं पब्लिकली, एक तरीके से कह सकते हैं, और उससे पैसा बनाती है। तो जनरली ये पहले लाइसेंस लेते हैं, फिर उसके बाद पैसा बनाते हैं, अर्न करते हैं उस। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। माइनोरू कानेहिसा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं कैग प्रोजेक्ट के। यहाँ पे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे रोजमर्रा के काम होते हैं किसी भी कंपनी के, तो यहाँ पे कैग की बात चल रही है तो जायज सी बात है कैग डेटाबेस है, इसके क्या है, माइनोरू कानेहिसा प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या फंडिंग से रिलेटेड या प्रिपरेशन कंडक्ट, कहने का मतलब जो भी कंपनी के बड़े बड़े काम हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब माइनोरू कानेहिसा ही उन सारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि बड़े बड़े कंपनी को
जैसे कंपनी के डिसीजन हो गए बड़े बड़े, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई वर्क हो गया, उसकी फंडिंग से रिलेटेड कोई वर्क हो गया, तो उन सबसे जो डील करेंगे वो कौन करेंगे? हमारे माइनोरू कानेहिसा जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट पॉइंट है बड़ा ही शानदार पॉइंट है, यहाँ पे इनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया गया है, 23 जनवरी 1948, कहाँ पे? नागासाकी जापान में। अब जायद सी बात है, नागासाकी का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, जिसको वर्ल्ड वॉर टू में टारगेट किया गया था, टारगेटेड इन वर्ल्ड वॉर टू। अब जरा एक चीज समझते हैं, जनरल सी बात है, नागासाकी और क्योटो के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? वो जायद सी बात है करीबन 682 किलोमीटर के आसपास है डिस्टेंस, है ना। और वर्ल्ड वॉर जो टू था हमारा, वो कब तक चला था? 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 में खत्म हुआ था। क्लियर।